स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों को गैस गीजर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा और उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे ये सेल बॉक्स। दोस्तों इसमें एक सेल बॉक्स लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों सेल पड़ते हैं, यहाँ पर इसके लॉक बना होता है। तो ऐसे अब इसको करोगे तो ये बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो इधर को घुमाकर इसको हम खोल सकते हैं और इसके अंदर दोस्तों मोटे वाले सेल डलते हैं, ये आप देख सकते हैं। जो पुराने टाइम में रेडियो में सेल होते थे तो वो इस गीजर में सेल लगते हैं, इसी से ये ऑपरेट होता है। इसको बाहर से कोई बिजली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेल के सहारे ही चल जाता है। ये सेल से दोस्तों पूरी सर्दियाँ निकल जाती हैं आराम से, हमें इस सेल को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सर्दी सेल से निकल जाती है। तो हम देख लेंगे इसके अलावा, ये हमारा सेल बॉक्स की डब्बी है। तो उसके इसके अलावा इसमें होता है दोस्तों एक सेंसर। ये दोस्तों एक ऐसा होता है सेंसर, एक दोस्तों सेंसर ये होता है और एक सेंसर ये होता है। दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है लेकिन काम दोनों में सेम ही होता है। ये गीजर को ऑन करता है जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो पूरी डिटेल में आपको समय लग सके कि कैसे ये गीज़र ऑपरेट होता है। तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ये इसका काम भी सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क होता है। किसी गीज़र में ये फिट आता है, किसी गीज़र में वो वाला फिट आता है। उसके बाद दोस्तों ये टिक टिक कॉयल, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें कॉयल लगी होती है, यहाँ से इसको सप्लाई मिलती है दोस्तों। और ये जो चीज़ है इसकी आगे पीछे होती है ये वाली, ये जब गैस की जो नीचे पाइप लगी होती है यहाँ से गैस जाती है तो इस पर यहाँ आके रुक जाती है गैस। तो ये जब गीज़र ऑन होता है तो कॉयल जब पीछे हो जाती है और गैस आगे निकल जाती है और हमारे गीज़र को गैस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका काम ये है कि ये गैस को ऑन और ऑफ़ करता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं थर्मोस्टेट। ये ऐसी दोस्तों इसमें थर्मोस्टेट लगी होती है। इसका मेन काम क्या होता है, जब हमारा गीज़र पानी को ओवरहीट कर देता है, जब पानी हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गीज़र को ये ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। तो ताँ जो कोई भी दुर्घटना होने से बच जाए, जब भी जो गीज़र में पानी कम आ जाता है कभी कई बार, या टैंकी में पानी नहीं होता, टैंकी में पानी कम हो जाता है तो गीज़र को पानी कम मिलता है और उसके साथ जो क्या होता है पानी की भाप बननी शुरू हो जाती है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये गीज़र इसको, ये जो थर्मोस्टेट है ये ऑटोमेटिकली गीज़र को बंद कर देती है। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक स्विच लगी होती है, ये गीज़र को ऑन ऑफ करने के लिए होती है। इसके दोनों तरफ जैक बने होते हैं और एक तरफ इसकी स्विच बनी होती है, इसको ऑन और ऑफ़ किया जा सकता है। तो सिंपली ये गीज़र को ऑन करने के लिए और गीज़र को ऑफ़ करने के लिए होती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट इसकी जो मेन कॉयल होती है, ये आप देख सकते हैं, इसी से ही सारा गीज़र जो है ऑपरेट होता है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। इसके पे दोस्तों हमने अलग से एक और वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने पूरी डिटेल में इसको जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे से पूरा इसकी सिर्फ इसको ही समझाया मैंने। तो इस वीडियो में सिर्फ हम वायरिंग के बारे में जानेंगे, अगर आप इस सर्किट बॉक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इसमें एक और पार्ट्स लगा होता है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों मैग्नेट। इसमें कोई वायरिंग नहीं की होती इसलिए हमने इसको डायग्राम में नहीं बनाया है। ये दोस्तों कैसे काम करता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये जो चीज़ है ये दोनों सेंसर और मैग्नेट ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो मैं इसको आगे आपको इसको समझाऊंगा। तो दोस्तों हम इसकी वायरिंग को देख लेते हैं कि कैसे इसकी वायरिंग करनी है। सिंपली दोस्तों इसमें से हम सभी वायरिंग को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इसमें वायर लगी होती हैं। एक दोस्तों ये वायर इसकी अलग से लगी होगी जिसमें सिर्फ दो वायर होगी, और इसका दोस्तों कलर होगा एक ब्लैक और येलो, ये येलो जो है रेड भी हो सकता है। तो ये हमारी जो वायर है ये सीधा हमारी
सेल के बॉक्स को चली जाती हैं ताकि इसको सप्लाई मिल सके। तो आप देख सकते हैं इस पे भी डब्बी पे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों आपको दिखाई देगा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और दूसरी साइड प्लस लिखा हुआ है। ये दोस्तों ध्यान से देखोगे तो वो दिखाई देगा, वीडियो में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो हम इसको रख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये प्लस लिखा होता है, प्लस वाली साइड में जो इसकी येलो या रेड भी हो सकती है वो थिम्बल लग जाएगी, और दूसरी साइड ब्लैक वाली, माइनस की साइड ब्लैक वाली और प्लस वाली साइड रेड या येलो वाली थिम्बल हमारी लग जाएगी। तो बहुत ही इसी आसान है इसकी सप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, सिंपली इसको हम यहाँ से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से इसको वायर को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने प्लस को रेड बनाया है तो ब्लू वाली को हम बना देंगे। न्यूट्रल बना दिया हमने। तो सिंपली इसकी हम वायरिंग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पे ये एक लगी होती है ब्लैक वायर, ये ज़्यादातर दोस्तों ब्लैक ही होती है, इस पे भी ब्लैक कलर की दो थिम्बल लगी होती हैं, वो ब्लैक का ये मतलब है कि इसका भी कलर ब्लैक है, तो हम इसको मैच करके लगा सकते हैं। ये दोस्तों सीधा थर्मोस्टेट में लग जाएंगी वायर, थर्मोस्टेट पे दो थिम्बल बनी होती है पहले से ही, तो हम इसको ऐसे दोनों तरफ इसके ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम वायरिंग में बना देते हैं, इसको हम ब्लैक वायर ही बना देंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस थर्मोस्टेट की वायरिंग हो चुकी है। उसके बाद इसमें एक बल्ब लगा होता है, ये बल्ब में दोस्तों कोई वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा, और हमारे जो गीज़र होता है उसके अंदर एक होल दिया होता है और साइड में उसके एक प्लास्टिक का छोटा सा एक कैप बना होता है जो इसमें फंसा देते हैं, और इसको फंसा देंगे उसमें तो वहाँ पर ये फिक्स हो जाता है और बल्ब हमारा नीचे से दिखाई देता चलता हुआ। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक ये वायर लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों तीन वायर होती है, जो तीन वायर वाला जैक होगा वो इस कॉइल से, कॉइल में भी तीन वायर होती हैं, तो आप आसानी से इसकी जजमेंट कर सकते हैं कि तीन वायर वाली है, तो तीन वायर वाला जैक हम इसमें लगा देंगे तो ये हमारी जो कॉइल है ये भी ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें एक जैक और बना होता है जिसमें सिर्फ दो वायर होती हैं, तो ये दो वायर वाला जो है यहाँ पे हमारी स्विच है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन फीमेल है और इसमें हम मेल वाला ढूंढ लेंगे, ये हमारा मेल वाला है जैक, तो इसमें इसको लगा देंगे, और इसका जो एक जैक बच गया है ये हम लगा देंगे सेंसर के साथ। तो ऐसे हमारी जो वायरिंग है पूरी हो चुकी है। और इसका दोस्तों जो काम है ये क्या करता है, ये दोस्तों ये हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये गीज़र के जो इनलेट वाटर होता है जहाँ पे जहाँ से पानी अंदर जाता है उसके अंदर इसको लगाया जाता है। ये क्या होता है, जब पानी फ्लो होता है जैसे इतनी उसमें एक राड बनी होती है, ये नीचे बैठा होता है, जब इसमें से पानी आएगा पीछे से तो अपने आप ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा जब पानी फ्लो होगा, और जब पानी बंद हो जाएगा अपने आप ये अपने भार से अपने वजन से ये नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा जो सेंसर है ये ऊपर फिट किया होता है ऊपर, तो ये होता है नीचे, जब पानी आएगा तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा सेंसर के पास, तो सेंसर को पता लग जाएगा कि मैग्नेट इसके पास आ चुका है, ये सप्लाई देना शुरू कर देगा और गीजर हमारा ऑन हो जाएगा।
जब पानी को हम बंद कर देंगे, पानी का फ्लो बंद हो जाएगा, ये अपने अपने वजन से नीचे आ जाएगा, तो सेंसर को ये पता लग जाएगा कि पानी का फ्लो नहीं हो रहा, सेंसर इसके पास, मैग्नेट इसके पास नहीं है, तो ऑटोमेटिकली गीज़र को ये ऑफ़ कर देगा। तो इसका ये काम होता है, ये सेंसर को बताता है कि पानी चल रहा है कि पानी बंद हो चुका है। तो वैसे हम इसकी वायरिंग भी कर देंगे, बहुत ही आसान है। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक ऑक वायर लगी होती है, एक वायर इसमें अलग से लगी है, ये एक सिंगल वायर होती है सिर्फ। तो आपको कई बार कन्फ्यूजन होगी ये वायर किसके लिए है। ये वायर दोस्तों अर्थ के लिए होती है, आपको गीज़र के साथ किसी भी बॉडी के साथ इसको अटैच करना होता है। अगर आप ये वायर नहीं लगाओगे तो आपका गीज़र जो है एक मिनट के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप परेशान होगे कि गीज़र हमारा चल तो रहा है लेकिन एक मिनट बाद बंद क्यों हो रहा है, तो उसका इस रीज़न की वजह से ये बंद हो जाता है, क्योंकि इसको अर्थ मिलना ज़रूरी है। अगर इसको अर्थ मिलेगा तो गीज़र आपका कंटिन्यूटी चलता रहेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली एक मिनट बाद बंद हो जाएगा। तो वैसे दोस्तों बहुत ही इसकी आसान वायरिंग होती है। अगर आपको दोस्तों कोई भी कन्फ्यूज़न अभी भी है इसमें तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर और भी डली हुई हैं और आगे भी हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जो ऐसी नई नई वीडियो आपको हमारी मिलती रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों आप इसमें से कोई भी पार्ट्स मंगवाना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस सभी पार्ट्स को आप मंगवा सकते हो। बाकी दोस्तों मैं इसका आपको फॉल्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे इसको हम जजमेंट कर सकते हैं, कि कैसे हम इसका फॉल्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों गीज़र हमारा ऑन ना हो तो सबसे पहले हम सेल की डब्बी को, इसमें से जो सेल होते हैं उसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। फिर यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद हम इसका सेंसर चेक करेंगे, स्विच को चेक करेंगे, और उसके बाद भी गीज़र हमारा ऑन ना हो तो हमारी डब्बी ख़राब हो सकती है। और उसके अलावा अगर हमारा गीज़र ऑन हो रहा है और उसमें आग नहीं चल रही, गीज़र टक टक की आवाज़ आ रही लेकिन आग नहीं चल रही, तो आप एक बारी सेल नए डाल के चेक कर लें, उसके बाद फिर भी नहीं ऑन हो रहा तो इस कॉइल को आप चेंज कर दें, क्योंकि इसी का काम होता है गैस को आगे भेजना। तो ये दो तीन फॉल्ट थे आपको, तो इससे इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं जो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।